बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं मुशीज गुगली ऑन बोल। आज मैं पहली दफा, क्योंकि आप बड़े हैं मेरे, मैं कोशिश करता हूँ मैं किसी की दिलेजारी ना करूँ, मैं किसी को कुछ ना। लेकिन मुशी भाई एक बात में बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहना चाहूँगा, मैं डोमेस्टिक खेलता हूँ। मैं कहने लगा था कि अहमद पिछले 3 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट को कंसिस्टेंटली खेल रहा है। आई थिंक अहमद शहजाद और 2-3 हमारे क्रिकेटर्स हैं, मैं इनको थोड़ी सी ज़्यादा इज्जत इसलिए दे रहा हूँ यहाँ पे कि इन्होंने अपने बांग्लादेश या CPL के, आई एम नॉट श्योर, वन ऑफ द फ्रेंचाइज की लीग के जहाँ पे डॉलर्स मिलते हैं वो छोड़ के इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों खेला। आई थिंक हफीज़ थे, अहमद थे और 1-2 लड़के और थे। अहमद, ये सेक्रीफाइस जो आपने 3 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, आप कंटिन्यू करें वहाँ से, फिर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बात कहना चाह रहा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मेरे नज़रिए में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे नज़रिए में मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर हम मेरे गोल, मैं अपने सबसे पहले डोमेस्टिक के प्लेयर के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें करना चाहता हूँ। आज मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी, लेकिन जब मैं वापस वहाँ जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ लोगों के पास नहीं है, फिर मैं देखता हूँ, कंपेयर करता हूँ बाहर के डोमेस्टिक के प्लेयर कि वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, और फिर मैं देखता हूँ कि हमसे एक्सपेक्टेशन कि जीतना ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है, और फिर मैं देखता हूँ फैसिलिटीज। मुझे भी, मैं सबसे पहले अपने डोमेस्टिक प्लेयर के फाइनेंशियल हालात ठीक करूंगा सबसे पहले। अच्छा, क्योंकि जिस तरह वो गुजर रहे हैं, आपको पता है मुशी भाई आजकल क्या है, ये कुछ भी नहीं है, खर्चे अखराजात, मेरी प्रोटीन, आप फिटनेस की बात करते हैं ना, मेरे 1.5 लाख के प्रोटीन वगैरह आते हैं महीने के। ओह माय गॉड, और फिर 1.5 लाख के बाद मैं अपने घर क्या दूं, अपने सेविंग क्या करूं, आप मुझे बताएं, क्या मैं 1.5 लाख की चीजें कर सकता हूं? नहीं कर सकता मुशी भाई, 1.5 लाख के प्रोटीन। मुशी भाई, हम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए, सीनियर्स के लिए, कि आप वो लड़कों को सपोर्ट करें जो कि जेन्युइनली पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। अच्छी परफॉर्मेंस, बुरी परफॉर्मेंस, इट्स ओके, फाइन, हम सब ह्यूमन हैं, अच्छी सिलेक्शन, बुरी सिलेक्शन, इट्स ओके। लेकिन जब वो डोमेस्टिक, जब इस दफा मैं डोमेस्टिक में गया खेलने के लिए, मेरी कुछ हद, मैं कैप्टन भी था, मेरी कोशिश होती है कि सारों को बिठा लूँ, पूछूँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या क्या मसले हैं, क्या क्या नहीं। उसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा सुनने को चीज़ मिली वो ये लगी कि यार देखो, वो भी ऐसे हमारे सीनियर्स लड़कों को सपोर्ट करते हैं जो कि अच्छी चीज़ों में मुलव्वस नहीं है, तो उनको कहीं ये लगता है कि यार हम अच्छे रह के भी, परफॉर्मेंस करके भी यहीं पे हैं, और बाकी दूसरी चीज़ें करके भी उन्हीं को फिर सपोर्ट भी मिल जाती है, वही बेस्ट प्लेयर भी हो जाते हैं, वही एक्स्ट्रा टैलेंट भी हो जाते हैं। मुझे किसी से कोई गिला नहीं, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, जो जिसने किया अल्लाह जाने वो जाने, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। मुशी भाई, हमने अपने डोमेस्टिक के प्लेयर की मेंटेलिटी को प्रोटेक्ट करना है, हमने उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना है, हमने एक जुट बनना है। वो जब तक वो हमारे साथ नहीं होएंगे, वो उनका कॉन्फिडेंस हमने लिया नहीं होएगा, एक पेज पे नहीं होएंगे, जब नहीं होएंगे फिर हम कुछ और चाह रहे होंगे, वो कुछ और कर रहे होंगे। नहीं हो सकता कि आप यहाँ पॉलिसी बनाएं और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि वो सारे उसको फॉलो करें, नहीं होगा ये, क्योंकि हमें भी फिर वैसी ही चीजें करनी है। उनका इस टाइम ट्रस्ट शैटर्ड है लड़कों का, इस चीज से कि यार हम मेहनत भी करते हैं, हम वो कहते हैं हमें चांस मिले ना मिले, इट्स ओके, लेकिन कम अज कम जो लड़के मुल्क के लिए खेल रहे हैं उनकी सपोर्ट होनी चाहिए, ना के हमारे कुछ हाथ लोग आके ऐसी एंगल से आके ऐसे लड़कों को सपोर्ट करते हैं जिन्होंने बिट्रे किया ट्रस्ट को, जिन्होंने ट्रस्ट बिट्रे किया, जिनकी वजह से ये ऐसे इश्यूज हैं। मुशी भाई, हम खुल के नहीं बोल सकते इस बारे में, कभी भी आप खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन ये डैमेज कर रहे हैं, इससे डैमेज हो रहे हैं प्लेयर्स के, ट्रस्ट डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि प्लेयर्स ने बहुत ज्यादा चीजें सही है, उनके कसूर नहीं है, उन्होंने वो चीजें सही है जिन चीज पे उनका कोई कसूर नहीं है। मेरा सिर्फ ये एक मामला यार, आप जब मैं चाहता हूँ मेरा जूनियर मेरी इज्जत करे, यार मैंने भी तो वैसी ही चीजें करनी है ना, मेरे मुंह से भी तो वही अल्फाज रखे जो अगला इंसान मेरे दिल से इज्जत करे, नहीं तो फिर डंडे की जोर पे आप इज्जत मांगते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि जी नहीं वो नहीं ठीक है, तो फिर आप गलत है। ये जो पॉइंट अहमद उठा रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट, जितने भी क्रिकेट के शौकीन हैं उनसे मैं एक बात, अहमद बट आई एम थ्रोइंग अ क्वेश्चन टू यू नाउ, सारी बात मैंने गौर से सुनी और आपने बड़ा अच्छा किया है कि वी आर द स्टेक होल्डर्स, वी हैव टू प्ले आर पार्ट ऑल्सो, यू व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट आर यू
What are you talking about कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट, चलो एक तो स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, ये जो नया सिस्टम आया है शायद ये इंशाल्लाह इसको टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा. आप वेयर यू स्टैंड कि कहाँ पे ये गैप है इंटरनेशनल पाकिस्तान टीम का और डोमेस्टिक टीम का, डोमेस्टिक लेवल का, वेयर इज़ दैट गैप? उस गैप की ज़रा थोड़ी सी वजाहत कीजिए. देखिए, मुझसे ज़्यादा बेहतर मशूबे मेरे से बड़े हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है. जो मुझे थोड़ी सी मेरी अकल है, जो मुझे लगता है कि इस दफ़ा जो पीछे रिसेंटली चीज़ें हुई हैं बहुत बेटर है. ठीक है, इसको कंसिस्टेंटली रखें, इसमें और बेहतरी लाएं. अगर हमें किसी चीज़, मुझे भी किसी बच्चे से भी चीज़ें सीख लेनी चाहिए. ठीक है, मैं अली से सीख लेता हूँ. अगर मुझे किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है और मैं वाकई दिल से ठीक करना चाह रहा हूँ, तो जिनकी स्टेब्लिश है चीजें उनसे मशवरा कर लें कि व्हाट कैन बी डन. आए आप जरा 3 महीने के लिए आए, 4 महीने के लिए आए, आपको हम यहाँ छोड़ते हैं, हमें ये ए ग्रेड करके दें और फिर हमें बता दीजिए कि हमने इसको मेंटेन कैसे करना. ठीक है, अदरवाइज जो बाकी चीजें हो रही हैं, जिस तरह हम ग्रेजुअली कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहे हैं. फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डिफरेंट. आई एग्री विद, आई थिंक मैं यही पॉइंट पे आना चाह रहा था. एक बच्चे, मैं वो बातें नहीं बताना चाहता कि जो के कोई सुन ना पाए. वो मेरे भाई हैं, वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे कलीग्स. मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं क्रूजर से नीचे उतर रहा हूँ और वही मेरे साथ वो खेल रहे थे, वो आज भी रिक्शे पे आ रहे हैं. ये नाजरीन, ये जो अहमद बात बता रहा है, मैं इसका विटनेस हूँ. NCA में एक दफ़ा ये अहमद और एक दो हमारे और क्रिकेटर, अल्लाह इनको और तरक्की दे, इनका अपनी अपनी क्रूजर से ऊपर आए, लैंड क्रूजर से उतरे. एक क्रिकेटर पाकिस्तान कैंप में आया था नया नया, अब मैं उसका नाम भी ले देता हूँ, सोए मकसूद थे. तो आते ही 2-3 दिन के बाद हमसे गुफ्तगू कर रहा था, एज ए मैनेजमेंट में उससे पूछ रहे थे हम 2-3 क्रिकेटर्स कि यार तुम क्या फील कर रहे हो कैंप, पाकिस्तान कैंप में आने में. कहते जी पहले, सबसे पहले मेरे लिए शॉकिंग ये था कि बड़े बड़े प्लेयर जब बड़ी बड़ी गाड़ियों में से उतरे तो मेरा वहाँ ही दिल कर पड़ा कि इस चीज़ों को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा. जो अहमद का पॉइंट है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और आई थिंक वेरी मच सो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो इस चीज़ पे फोकस किए हुए हैं कि जो इंटरनेशनल बंदा पैसे कमा रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट वाला इतना रीज़नेबली कमा ले कि उनका डिफरेंस ख़त्म हो जाए, ताकि वो अपनी क्रिकेट को इन्जॉय कर सके, ना कि आपने बेचारा किसी को भी, अल्लाह किसी को मजबूरी ना डाले, वो अपने चूल्हे और अपने किचन के ही फिक्र में लगा रहे, ताकि वो उसका माइंड सेट क्रिकेट की बजाय इन चीज़ों में चले जाए. तो अहमद, आई एग्री विद यू इन सेंस कि जी, मुझे स्टीव हार्मसन ने पता क्या बोला था, स्टीव हार्मसन ने जब वो इंग्लैंड टीम से बाहर निकला ना, तो ओवल टेस्ट मैच में ऊपर बैठा हुआ था, ड्रॉप हो गया था, तो मेरे पास बैठा हुआ था. तो इसका 3 साल की डील हुई थी, 3 साल धर्म काउंटी के साथ डील हुई थी. तो मुझे कहता है, मुशी आई एम डिसपॉइंटेड, वेरी डिसपॉइंटेड, मे बी दिस इज़ माई लास्ट कपल ऑफ मैचेज फॉर इंग्लैंड, बट इट डज नॉट गोना अफेक्ट मी. मैंने कहा क्यों? तो स्टीव हार्मसन ने आगे से कहा कि यार मेरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया. मैंने कहा इज इट सेम डिफरेंस प्लेइंग फॉर इंग्लैंड और प्लेइंग फॉर डर्म? कहता फाइनेंशियली इतना डिफरेंस नहीं है कि मुझे वो 3 साल का ऊपर, मुझे अपने बच्चों का और मुझे अपनी बीवी का और अपने किचन का फिक्र नहीं है, हर जगह तो मैं जाके वहाँ पे भी परफॉर्मेंस कर सकूंगा और वहाँ पे भी मैं अपने क्रिकेट को इंजॉय कर सकूंगा. ठीक है, दो चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा. जिस तरह मैंने कम बैक करना है, मैं ऐसे एटमोसफेयर में जाऊं जहां मुझे क्रिकेट एटमोसफेयर मिले, जहां खुशियां हो, जहां मैं एंजॉय कर सकूं ताकि मेरी परफॉर्मेंसेस निकले और मैं वापस आऊं, ना कि एक डिप्रेस्ड माहौल में चला. तो उसके लिए भी बड़ा जरूरी है कि उसको फाइनेंशियली, एक डोमेस्टिक का प्लेयर, उसके बच्चे अच्छे, ज्यादा नहीं, बच्चा जरूर अच्छे स्कूल में जाना चाहिए. दुनिया अब इतनी आगे चली गई है, क्रिकेट से हम लोग कितने पैसे कमा रहे हैं, मुझे भी थोड़े पैसे कमा रहे हैं हलाल के, अल्लाह ताला ने मुझे, मेरे घर की कुंडी नहीं होती थी, आज मुझे इतने बड़े घर में बिठा दिया, थोड़े पैसे कमाए, बहुत बिल्कुल सही. तो मुशी भाई ज्यादा नहीं, आजकल की दुनिया में अगर ये हमारी फटर्निटी है जिससे हम सारे पैसे कमा रहे, तो मेरे ख्याल से अगर हम डोमेस्टिक के प्लेयर के बच्चा अच्छा स्कूल जाए, उसके पास एक अच्छी अपनी कन्वेंस हो, ड्राइविंग कन्वेंस हो, उसके पास रीजनेबल घर हो, डिसेंट घर हो, 2 वक्त की रोटी वो खाता रहे, ये उसका हक है. मैंने सुना है कि पीछे जो रिसेंट पास में पहले एक साहब ने कहा था, इनको 30,000 दे दो, उसमें से भी 15,000 बचा लेंगे जब कोई इस तरह की. तो अभी मुशी भाई देखिए, मैं उनके साथ खेल रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि क्या क्या बसेस से लेके हम सब ने ही सफर किए हैं, हम सब ने. मैं चाहता हूँ, अब दुनिया बदल गई है, हम लोग माशाल्लाह बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं,
फर्ज है हमारा जहाँ से हम निकल के आए हैं, हमारे साथी हमारे प्लेयर उनका ख्याल रखें, अल्लाह खुश होगा, मैं और आप कुछ नहीं होंगे। या मेरा ये एम इसलिए नहीं है कि मैं कोई बड़ा हीरो बनना चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि काश मैं अपने प्लेयर्स के लिए कुछ कर सकूँ। किस लिए? यार अल्लाह खुश हो कि ये मेरे साथी हैं, मैं शायद ना कर सकूं लेकिन मेरी नीयत तो मेरे अल्लाह को पता है। और अगर अल्लाह ने कल को उन लड़कों के लिए डोमेस्टिक के लिए कुछ ना कुछ लिखा होगा तो वो अपना अच्छा बंदा चुनेगा कि हाँ कौन इस तरह का सोचता है। हाँ जी मुशी हैदर आ जाओ, हाँ जी अहमद हैदर, ये निजाम है, अल्लाह ने निजाम चलाने हैं, ये याद रखिए। उसको हर किस्म के इंसान की जरूरत है और वो सबसे बड़ा प्लानर है, बेशक वो सबसे बड़ा प्लानर है। हम सिर्फ ये कोशिश कर सकते हैं अपनी जुबान को कंट्रोल रखें, किसी की दिल आजारी आपके अल्फाजों से ना हो जाए, इस चीज का ख्याल। दूसरा, पीसीबी मेरा इदारा, मैं उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलता। मैं आज जो कुछ भी हूँ, खुदा मेरे माँ बाप की दुआओं के अलावा पीसीबी। आज वो मुझे पिक ही ना करते जब मैं अंडर 19 में पिक हो गया था, तो कौन है मच्छर? सही बात, बिल्कुल सही, वेरी गुड अहमद। अच्छे बुरे इंसान हर जगह मिलेंगे, लेकिन वो इंसानों की वजह से जिसके साथ जो शायद आपका मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं बन सकी, पूरे के पूरे इदारे को गलत कह देना, जो कुछ आज हमारे कलीग्स या डोमेस्टिक में स्पेशली बिलीव रखें कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह सब ठीक करेगा, ये इदारा ही हमारा इदारा है। इंशाल्लाह आज तक इसी ने हम लोगों को ग्रूम किया है, इसी के अंडर टीम वर्ल्ड कप जीती है, इसी के अंडर हम लोगों ने सक्सेस भी देखी, इसी के अंदर हमने डाउनफॉल भी देखे। इंशाल्लाह 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 आने वाले वक्तों में फिर हम तरक्कियां देखेंगे और हम फिर उठेंगे। एंड जो इस टाइम स्पेशली कुछ चीजें ऑनेस्टली बता रहा हूँ मुशी भाई, नॉट टू बटर एनीबडी, जो प्रोग्रेस हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह की चीजें हो रही हैं डोमेस्टिक में, ये वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई एम होपिंग कि चीजें इसी तरह चलेंगी और हम लोग बहुत तरक्की करेंगे, बहुत ज्यादा। ये मेरा ख्वाब है सर कि हमारी पाकिस्तान की टीम डोमेस्टिक पीसीबी हमारा एक बहुत बड़ा नाम हो दुनिया में, ये मेरी ख्वाहिश है। मेरी भी ख्वाहिश है, पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के नंबर 7 से नंबर 8 से पाकिस्तान नंबर 1 बने। बीइंग ए रीसेंट स्टेक होल्डर, ऑर्गेनाइजेशन से मोहब्बत है, लोगों से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना कोई बुरी बात नहीं होती, लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक दूसरे को पॉइंट ऑफ व्यू ना मिलना कोई बुरी बात नहीं है, मगर ऑर्गेनाइजेशन को, जिस तरह अहमद ने कहा कि यहाँ से मुझे अगर सिलेक्ट ना करते, अक्सर लोग हम भी गलती करते हैं, जब भी हमारे ऊपर बुरा टाइम आता है तो हम ऑर्गेनाइजेशन को बुरा कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बुरी नहीं होती। पाकिस्तान की कोई भी अदारा है, उसके लोग जो होते हैं उससे आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन बुरी नहीं हो सकती। तो अहमद का पॉइंट बिल्कुल ठीक है, ही इज़ हंग्री, ही इज़ विलिंग टू सी पाकिस्तान नंबर 1, 26-27 साल उम्र है, फिट है, अभी तो इसकी क्रिकेट शुरू हुई है अहमद की मेरे ख्याल में। और ये जो शरारती से एकदम जिंदगी बदली, एकदम मैं भी शरारती हूँ, बहुत शरारती हूँ मुझे भाई, लेकिन अच्छा लगता है। ये वैसे अहमद की बात बताऊँ आपको, अहमद टूर के ऊपर जिसको चाहता था ना, जिसको चाहता था, क्योंकि अहमद के ऊपर ना बहुत प्यार करते हैं, इसको हफीज, मिसबा, इसको वकार, अल्लाह जानता वकार यूनस ना इसको ना अहमद को खुद थ्रो डाउन करता था, नहीं यार मैं अहमद, और इससे लड़ता भी बहुत था अहमद को, उसने उड़ाया भी बहुत है, ये नहीं कि अहमद को बुरा बुला भी उसने। यार मैं एक स्टोरी सुनाओ, मैं बताता हूँ, श्रीलंका में मैच हो रहा था, मैंने ना मुझसे परफॉर्मेंस नहीं होती, दो मैं कहीं परफॉर्मेंस नहीं हुई, तीसरे मैच में ना विकी भाई आ गए यार गंदे पिच में, शिवे प्रैक्टिस के ना वो अच्छे ही नहीं थे, नए बॉल पकड़ के वो जुनून में आ गए, वो उन्हें पकड़ के यूज टीम से शू अजीबी से इतना बार था, मैं अजाब से फंसे आगे, मेरे को परफॉर्मेंस नहीं हो रही, मैं कोशिश कर रहा कि मैंने चार बॉल बल्ले नू बचे, अब मैं ना कोच मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुशी मैं ठीक है उसको दे दो, और विकी भाई कर ही जा रहे कर, अच्छा कर ली मैं खेलने जा रहे, मैं क्या सोच रहा हूँ आज मैं परफॉर्मेंस कर दी तो कल फिर प्रैक्टिस ये अहमद जो बता रहे हैं, अक्सर अल्लाह माफ करे, कई दफा बंदा डरते हैं, मैंने तो मैच नहीं होता कि बोलना पड़ेगा, ये जो कह रहे हैं ना कि प्रैक्टिस कई दफा वर्क एथिक्स ऐसे होते हैं जिसे बंदा फंस जाता है, तो मगर एक बात है अहमद, ये इस बात मैं भी था वहां पे, मुझे पता है, मगर वकार अगले दिन में हमें मिला, अहमद को देखा इसने, तो अल्लाह जानता है ये होता है, आप लोगों के माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, वकार ने मेरे सामने, मैं विटनेस हूँ, जैसे अहमद ने कहा ना कानों के कच्चा नहीं होना चाहिए,
अहमद मेरे बारे में कोई बुरी बात करता है तो मुझे तब तक यकीन नहीं करना चाहिए अपने बेहतरीन दोस्त का भी, जब तक मैं अहमद की जुबान से सुन ना लूं। ये पैगाम बड़ा अच्छा है। ये हमारे जितने भी फील्ड में आप लोग जाते हैं, हम फौरन मान लेते हैं कि जी अहमद तेरे बारे में पता है फरीदी क्या कह रहा था, तेरे बारे में फीस पता क्या कह रहा था। वो एकदम अहमद को गुस्सा चढ़ा, अहमद ने कहा, बगैर सोचे समझे अपनी स्टेटमेंट दे दी। वो बातें कहते हैं चाइनीज विस्पर, वो ऐसे बातें पहुंचते पहुंचते ऐसे हो गई, अहमद उसका दुश्मन बन गया, वो उसका दुश्मन बन गया। फॉर गॉड सेक, ये छोटा है हमसे मगर सेंसिबल बात कर गया है। अहमद ने कहा है, जब तक मेरी ज़ुबान से वो बात सुन ना लो, अमल ना करना, उस पर यकीन ना करना। यही मैं कह रहा हूँ, उस दिन वकार ने मेरे सामने कहा, यार अहमद डिजर्व टू प्ले फॉर पाकिस्तान अगेन, द रीज़न इज़ वर्किंग रियली हार्ड। ये लोगों का माइंड सेट होता है चेंज करने पे आपकी मेहनत से। मैं एक और बात बताऊँ, डिक्की भाई के साथ मैंने काम किया, पहले भी किया कोच, तब थोड़ा हाइस था, मैं आपको बताया फ्लैम्बॉयंट परफॉर्मेंस सेंचुरी से, कुछ छोटा था जिसकी वजह से कुछ चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं था कि वो चीजें चुप रहने वाली थी, लेकिन अगर मैं अब होता ना चुप रह जाता, क्योंकि मेरा दिमाग मैच्योरिटी है गाइस, दिस इज द मैच्योरिटी व्हाट ही इज शोइंग नाउ। मैं अपने मैं क्यों कहीं और एनर्जी लगाऊं, मैं चुप करके वहीं पे संभाल के बाकी अपने आप को बेस्ट चांस क्यों ना दूं, बेस्ट चांस देना होता ना, तो शायद मैं ना करता। ऐसा नहीं था कि मैं वहां गलत किया, लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि यार थिंग्स कुड हैव बीन रियली डिफरेंट। गलती जो अपनी निकालनी है, बड़ा आसान है गलती आपके निकालने के लिए। मैं तो कह दूं कि सब कुछ मुशी भाई ने किया, मेरे नाल जो भी हो रहा है मुशी भाई। हां बिल्कुल ठीक बात। तो विकी भाई के साथ अभी जब रिसेंटली मुझे पाकिस्तान टीम, ही इज आल्सो वेरी डिफरेंट। उनके भी वर्क एथिक्स, उनका लाइक जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह वो बातें कर रहे हैं, चीजें उनकी पास स्पीचेस वगैरह, हम लविंग इट। मैंने तो उनसे मेरी भी गुफ्तगू हुई थी टीम में, मैंने कहा, मैंने जो बात अभी आपको की ना वही मैंने उनको भी की। मैंने कहा थिंग्स कुड हैव बीन रियली डिफरेंट, और आई विश कि काश मुझे जो समझ अभी है, देयर इज नेवर टू लेट, 29 गुड थिंग आई एम लर्निंग। तो मैंने कहा यार ये वहां पे होती ना तो आज चीजें बड़ी डिफरेंटली उनको भी समझ आया। मैंने एक चीज जो अब उनमें नोटिस किया, आई थिंक जिस तरह स्मार्टली उन्होंने स्विच किया हेड कोच से बॉलिंग कोच, मुशी भाई मुश्किल है सारी चीजें, बहुत मुश्किल है, बड़ा प्लेयर है यार, लोग समझते हैं आसान है, बड़ा नाम है उनका, बड़ा नाम है, बहुत हमें हम जो हमें गलत किया हम लोगों ने कि एक दूसरे के जी वो ये गलत करते हैं, जो पूछते हैं जी सबसे बड़ा बेस्ट बॉलर कौन है, किसी लाड़ना ना पैदा वसीम अकरम है, उस टाइम तो नहीं पता था, या वकार यूनुस है, शुएब अख्तर नाराज हो जाएगा, शुएब भाई नाराज हो जाएंगे, मुश्ताक अहमद नाराज हो जाएगा, नहीं पूछने चाहिए क्वेश्चन, ये पूछना बंद कर दे। आपको उस टाइम पूछ मुझसे दो दफा भी टीम्स का पूछा जी बेस्ट ओडीआई की टीम बताएं कौन सी, मैंने कहा नहीं बतानी, मैंने जिसका नहीं लूंगा वो नाराज, वो इंसान है, हम लोग आगे दीन ईमान से दूर है, हो जाता है। मैंने स्टैट्स पे अगर वसीम अकरम या मुशीर मुश्ताक अहमद का नाम ले दिया है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं शुएब अख्तर को पसंद नहीं करता, वो भी मेरा हीरो है। तो ये क्योंकि कम्युनिकेशन गैप होता है मुशी भाई, गलत चीजें चले जाती है, हम लोगों को चाहिए हम जवाब ही ना दिया करें इस चीज का, ठीक है, बड़े हैं सारे हमारे ये लोग, बड़े बड़े स्टार हैं, सुपर स्टार्स हैं, हमें इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। कुछ चीजें जो देखें बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम वही चीजें सुने जितनी हम बर्दाश्त कर सकें। बहुत ज्यादा चीजें हमें सोशल मीडिया पे आजकल नजर आ जाती हैं, अपने आप को दूर रखें, अपने दिल को साफ रखें। जो तस्वीरें मैं कोशिश करता हूँ मुशी भाई, जो तस्वीर मैंने मुश्ताक अहमद की अपने दिल में बसाई हुई है ना, बस मुश्ताक अहमद वही रहे, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। जो तस्वीर मैंने जो है ना शाहिद भाई के लिए, शुएब भाई के लिए, वसीम भाई के लिए, वकार भाई के लिए, बस वो वही रहे। ज्यादा पॉजिटिव है तो मैं सुन लू, नेगेटिव है तो मैं वो देखू ही ना, मुझे कोई बताया भी तो ना मैं सुनू। ये बड़ा रेयर हो गया आजकल, तो पॉजिटिव कोई सुनता नहीं है, नेगेटिव पे हाँ दसी क्यों है वो, फिर मुश्ताक से यूं चलते 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 पूरे पर ये नेगेटिविटी फैल गई। तो मुशी भाई सबकी इज्जत करता हूँ, सब बड़े बड़े प्लेयर हैं, उनको भी एट द सेम टाइम भाइयों की तरह सबको गलतियां दरगुजर करें, हक की बात करें, सच की बात करें, ये नहीं करें कि अगर मैं अहमद से नाराज हूँ और मैंने अहमद को कुछ करना है तो मैं कह दूं वो फलाना ओपनर अच्छा है, और अपनी बात का वजन आपका इतना है आपको खुद भी नहीं पता, आपकी बात की वजह से अगर कोई नॉन डिजर्विंग लड़का सिलेक्ट हो जाता है और डिजर्विंग रह जाता है तो अल्लाह को तो आपने जवाब देना है, मैंने नहीं देना। ये जो पॉइंट अहमद उठा रहा है नाज़रीन, ये इसकी रीज़न है, इसकी रीज़न पता है क्या है, अगर वो मुश्ताक अहमद को कम्प्लीमेंट्स नहीं देता तो मुश्ताक अहमद का भी हक बनता है
बीइंग अ सीनियर प्लेयर, बीइंग अ ओल्ड स्टेक होल्डर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, मेरा भी फिर हक बनता है अहमद की ओपिनियन को मैं शाबाश दूँ, क्योंकि हमारे कल्चर में ये भी डेवलप करने की ज़रूरत है कि हमें सीनियर प्लेयर्स को ये नहीं चाहिए। मैं उसकी एग्जांपल दूंगा, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं अपनी एग्जांपल इसलिए कोट कर रहा हूँ, वरना करनी नहीं चाहिए। व्हेन योर टाइम इज़ ओवर योर टाइम इज़ ओवर। शेन वॉन और यासर का मुलाकात हुई दुबई में, मैं बॉलिंग कोच था, तो यासर उसका बहुत बड़ा फ़ैन है शेन वॉन का, तो मैंने इंतखाब आलम साहब को कहा प्लीज़ ब्रिंग हिम डाउन। वो आया, उसने शेन वॉन ने उसके साथ सेशन किया, बड़ा अच्छा सेशन गया। मैं उस वक्त यकीन माने इंसानी फितरत है ना, आपके दिल में आता है कि यार मैं बॉलिंग कोच हूँ और मैं शेन वॉन के साथ मेरी राइवरीज भी रही हुई है, मैं उनके ख़िलाफ़ खेलता भी रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है 2-3 साल उसके साथ मुकाबले में भी रहे हैं हम। मगर आप यकीन माने मैंने उस वक्त डिसाइड कर दिया था अल्लाह की मेहरबानी से, मैं अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह की मेहरबानी से मैंने यासर को कहा इसका हमेशा नाम लिया करो, अपने हीरोज़ का नाम लिया करो। अहमद की बात ठीक है कि हमारे कल्चर में पता क्या हम करते हैं, फिर पर्सनल हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अहमद के फैंस, अगर अहमद शाहिद अफरीदी को पसंद करता है, इट डज़ नॉट मीन के ही हेट्स मी, इट डज़ नॉट मीन के जी ये किसी और को पसंद नहीं करता। अपने अपने फेवरेट्स होने चाहिए, इंसान को उसके खुल के बात करने का मौका देना चाहिए हमें। तो ये जो अहमद बातें कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पूरे पाकिस्तान के कल्चर में ये होता है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर हम लोगों को जज करने शुरू कर। एक और ऐड करूँ अभी रिसेंटली ना, एक क्रिकेटर थे, क्रिकेटर हैं, उनकी बड़ी इज्जत, बचपन खेला काफ़ी इकट्ठा, साथ खेले, गलत बातें भी मानी, सही बातें भी मानी, रोल मॉडल भी समझा, सिखाया भी, जो एक दो दफ़ा भी देखें उस्ताद ने अगर आपको एक दफ़ा भी सिखा दिया ना दो उस्ताद है, ठीक है, हम इस तरह चले। अभी कुछ ऐसी छोटी सी बात पे शायद मैंने फ़ोन नहीं किया होगा, या शायद मैंने किसी इंटरव्यू में किसी और का नाम ले दिया होगा, उनका नहीं लिया होगा, और वो पीछे ना कोई एक साल पहले वो किसी शो में बैठे हुए थे, उस शो में उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा, मेरा जब क्वेश्चन हुआ ना मुझे, भाई करोड़ बंदा मेरे बारे में कहता रहता, डू यू थिंक मुझे फ़र्क पड़ता है? नहीं नहीं, हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि आप लोग हमें क्या समझाते हैं कि यार अपना इधर 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 बस चलते रहो, अच्छा करो तब भी नहीं देखो, बुरा करो सही बात है, ठीक है, तो इस चीज़ की अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, तो कोशिश करते हैं अवॉइड करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात हर्ट करती है, हर्ट जब आपको करती है, मुझे वो किसी ने क्लिप भेजा, उनसे मेरा सवाल हुआ तो उन्होंने कहा बन सकते, हाँ अहमद शहजाद बड़े अच्छे प्लेयर बन सकते थे, उफ खुशी भाई, जो मेरा दिल वहाँ टूटा, वो जो इज्जत, वो जो प्लेटों की चीज़ें आगे रख के पुराना, और ये वो एक छोटी सी बात थी बस, मुझे एक एक बात छोटी सी, जब आप टीवी पे आके बैठते हैं ख्याल रखें कि आपके लफ्ज से किसी की दिल आजारी तो नहीं हो रही, कोई हर्ट तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो जब दिल आजारी होगी और कोई हर्ट हो जाएगा ना, वो मामला अल्लाह के पास चला जाएगा, और वो आपको भी नहीं बता रहा, और वो छोड़ रहा है कि या अल्लाह तू देख, वो अहमद है बड़ी खतरनाक है, तो मैं देखे ये होता है यूं, इंसान दिल इतना टूट जाता है, एक तो आगे डाउन टाइम टेस्टिंग टाइम, ऊपर से फिर लोग आपके साथ, और फिर वो लोग जिनके वो आपने बड़ी रिस्पेक्ट की हो कूट के, वो इस तरह की बात कर दे जहाँ आप छोटी सी पॉजिटिव ढूंढ रहे हो, किताबों से पॉजिटिव ढूंढ रहे हो, वहाँ पे आपको एकदम इस तरह का वो लिंक मिल जाए या आपको कोई भिजवा दे और आप वो देख लो, और जिसमें उसने ऐसा कहा, ओ मुश्किल है। वहाँ मैंने कमबैक किया, बहुत मेहनत, बहुत बड़ी ज़्यादा मेहनत स्टार्ट कर दी थी, एंड एक दिन बताऊंगा इंशाल्लाह जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। मेरे ख्याल से सर मैं अपने आप को जीरो समझता, मैंने जीरो से स्टार्ट किया, अल्लाह का बहुत शुक्र है अभी मैं जीरो पे हूँ सर, मैंने यहाँ से मुझे लगता है 29 साल इस तक नथिंग, हमारे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं अगर आप देख लें उनके डेब्यू 32-33 साल, हसी के 33 साल भाई, मिसबा को देख लो आप, तो शुएब एंड हफीज स्टिल प्लेइंग एंड स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, सर मैं जीरो पे हूँ, मैंने जीरो से स्टार्ट करना है इंशाल्लाह, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ मैं अचीव करूंगा, तो उनसे ये बात जरूर शेयर करूंगा कि आपने ये एक दफा कहा था, इसने मुझे बड़ा मोटिवेट किया था, वो आज भी मेरे दिलो दिमाग में उसी तरह ताजा है, जिस तरह बहुत सारी चीजें मैं सुनता हूँ आई डोंट केयर, लेकिन कुछ लोग इक्का दुक्का जो आपने अपने नजरिए में अपने रोल मॉडल बनाए होते हैं, जब उनसे कुछ इस तरह की बात निकलती है वो बड़ी हर्ट कर देती है, प्लीज ख्याल रखें। अहमद का जो पॉइंट ऑफ व्यू ना, जो अपना रोल मॉडल जिसको बहुत बंदा प्यार करता है, जब वो बात करते हैं इस पूरी कन्वर्सेशन में, मैंने एक लफ्ज़ पिक किया अहमद का, शायद आपने भी किया हो, पता क्या है कि मैंने उनको जब जीरो से उठ के दोबारा जाना है ना, तो उनको मैंने शुक्रिया अदा करना है कि यू मोटिवेटेड मी अगेन,
मैं फिर से दोबारा बन के कहूँगा कि आप मुझ पर वो बिलीव थोड़ा सा आपने ड्रॉप किया था, मैंने नहीं किया आपने, एंड यू एक्चुअली ब्रॉट मी अप देयर। कई दफ़ा ये जो बात अहमद कर रहा है इसका मतलब ये है कि जो आपको अपने हर्ट करें, अहमद के लिए आसान है कि ये कहना कि बस ख़त्म हो गई, जिंदगी इज़ ओवर, अपने नहीं साथ दे रहे तो दूसरे का किसी के साथ क्या शिकवा करना। मगर ये अहमद का जो पॉइंट है जो मैंने पिक किया है, कह रहा है कि जब यहाँ से उठ के इंशाल्लाह व्हेन आई बिकम सक्सेसफुल अगेन, ही इज़ ऑलरेडी सक्सेसफुल, ही डोंट हैव टू प्रूव पीपल, ही रिप्रेजेंट पाकिस्तान, बट व्हेन ही इज़ गोइंग टू प्ले फॉर पाकिस्तान अगेन, ये उन आदमी को, उन अपने हीरो को फिर भी हीरो समझता रहेगा और ये कहेगा थैंक यू फॉर योर मोटिवेशन। अगर वो आप ना कहते तो हो सकता है मैं थोड़ा सा लेट हो जाता। आई एम नॉट लेट नाउ। अहमद बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये मैसेज है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये यंगस्टर्स को भी है। मैं ये भी कह सकता था जो मैं फोन जमाऊंगा ना फिर तेन दसना लफज नहीं, अल्लाह को नहीं पसंद। नहीं तो हमें तो सबसे ज्यादा जरूरत ही अल्लाह की है, अल्लाह की है। छोटी छोटी चीजें अपनी जिंदगी में, अब मुझे मेरे 6 कम बैक हुआ, लोग मुझसे काफी दफा मुसीबत पूछते हैं कि आप ऐसा क्या करते हैं, मैं एक मेहनत की तरफ अच्छे रहते हैं, दूसरा मैं अल्लाह के पास, हर कम बैक पे मैं अल्लाह ताला के साथ ज्यादा कनेक्ट होता गया, जितनी मुझे समझ आती गई उसी लेवल का मैं कनेक्ट होता गया। अब 29 साल की उम्र में जो मुझे समझ है, जितना मेरा एक्सपोजर है, जो मैं समझाऊँ, मैं उसी हिसाब से अल्लाह के साथ कनेक्ट हूँ, और मुझे ये चीजें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। बिटवीन यू एंड अल्लाह, बेशक बेशक, जब टाइम आएगा देख लेंगे। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा ये कर सकता हूँ, जो लोग डिजर्विंग है उनकी मदद करूँ, दो तरीके हैं, सामने आके भी कर सकता हूँ, पीछे से भी कर सकता हूँ। पीछे से कर देता हूँ जब मुझे लगता है सामने आना है, लोगों को मोबिलाइज करने की जरूरत है, यूथ को मैसेज देने की जरूरत है, जिस तरह अभी ये पेंडेमिक में हुआ, पीछे मेरे मैंने लगाई पिक्चर्स वगैरह पोस्ट किया, तो वो भी मैंने पूछना है आपसे, वो किया मैंने क्योंकि मुझे लगा कि हमने यूथ को टफ टाइम्स है, हमारी यूथ जो डेली वेजर है, जो गरीब लोग है, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ना अदा करेगी, तो मुझे लगा मुझे उसके लिए किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मामला, मैं हक हलाल के टैक्स देता हूँ, हक हलाल के पैसे कमाता हूँ, मेरी मर्जी में अपने पैसे को जो भी करूँ, मैंने अपनी पिक्चर लगानी है, ये मेरी मर्जी है। अगर आप किसी में कुछ पॉजिटिव नहीं देख सकते तो नेगेटिव भी देखना बंद कर दें, छोड़ दें लोगों की जिंदगियों में बैठ के ट्विटर पर बैठ के सिर्फ नेगेटिव चीजें रखना, और कुछ प्रोग्रेसिव करें और दूसरों को भी करने दें, खुद भी करें, बजाय के सारा सारा दिन हम लोग ये सोशल मीडिया पे जाया करें, अपने नाम बनाने की कोशिश करें। सेलिब्रिटीज का सोशल मीडिया यूज करना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, वो मैसेज देते हैं जो आगे पूरा आपको यूथ के लिए, जिस तरह भी मुल्क चलाने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो बनाए हुए हैं। नॉर्मली जो है, अगर मैं एक नॉर्मल इंसान होता ना मुशी भाई, मैं अभी भी, मेरी एक टीम है जो सोशल मीडिया यूज करती है, मैं कभी कभार बेड पे लेटा हुआ इंस्टाग्राम की पिक्चर्स देख ली, तो मैं आपको आज बता देता हूँ, मैं कुछ, मुझसे सिर्फ फाइनलाइज होने आती है चीज़ें कि ये हम करने लगे हैं, मैं उसको मैं बता देता हूँ अगर कोई चेंजेस है या ठीक है, अदरवाइज मैंने, अगर मैं एक नॉर्मल इंसान होता मैं कभी भी सोशल मीडिया यूज ना करता, कभी ना करता। आप देख रहे हैं ये अहमद का पैगाम, he is very much into social media and what he is saying, guys, ye youth ko paigham hai jo main ahmed ke through aur inke in jaise heroes ke through jo pakistan ko serve karenge aur karte rahenge inshaallah, paigham yahi hai ki zindagi mein kabhi bhi koi up and down aaye, koi neki ka kaam karo, daaye haath ko do baaye haath ko pata na chale, ye ahmed aur allah ka mamla hai, ye mushtaq aur allah ka mamla hai। abhi ahmed ne ahmed abhi aapne recently allah ka shukr hai आपकी मीडिया में भी आया काफ़ी, ऑब्वियसली यू ट्राइंग टू सम टाइम ना, नीयत ये भी होती है कि मोटिवेशन करने के लिए करना होता है, इंस्पायर करने के लिए करना होता है कि जी शायद मुश्ताक भाई घर में बैठे हुए हैं, मुशी भाई को पता चले तो शायद ये भी दो तीन अपना राशन दिया कोई चीज़ें लाया कि किसी अपने मुसलमान भरा नूँ, पाकिस्तानी भाई नूँ, पाकिस्तान की कौम में खिदमत कर सकें। जो आपने रिसेंटली किया बड़ा अच्छा किया, एंड यू आई थिंक मोटिवेट योर फ्रेंड ऑल्सो, इंस्पायर योर फ्रेंड ऑल्सो। मुशी भाई वो क्या किया था आपने, ये पूरा जो सिलसिला चलाया अभी, जब जब नीयत अल्लाह को खुश करने की हो तो इंसान मायने नहीं रखता, ठीक है, जब चीज़ें मुझे पता है ना मैंने क्यों की, उसके लिए इंसान मायने नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अब जिस तरह मैं PSL खत्म हुआ, मैंने अपनी फैमिली पकड़ी, हम लोग, मेरा एक दोस्त था, हम कलाम उधर चले गए, हम लोग अपना टाइम गुजारने गए थे, ठीक है, कि वेल चलो वहाँ पे केसेस भी नहीं है, हम थोड़ा सा साइड पे आइसोलेट रहेंगे, थोड़ी ट्रेनिंग भी चलती रहेगी, हाइकिंग होती रहेगी। अब वहाँ पे जो हालात देखे लॉकडाउन के बाद
और फिर हम घर में बैठे हुए मगरिब का टाइम, तो मगरिब के बाद खाना खा रहे थे, एक खातून आई, खातून बच्ची के साथ आई, और वो हम पठान लोग ना, हम किसी के घर नहीं जाते, उन्हें कहीं पता लगा कि मैं ठहरा हूँ तो वो आई, उनको जब हमने देखा तो बस वहाँ से हमने चीज़ें स्टार्ट की, पहले उनके घर से, फिर करते 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 फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को फोन, वॉलंटियर्स फ्रेंड्स जितने भी लाहौर में कर रहे थे, फैसलाबाद में कर रहे थे, पिंडी में कर रहे थे, इस्लामाबाद में कर रहे थे, और मैं खुद अपर दीप, लोअर दीप, कलाम, ये चीज़ें मैं कर रहा था। तो मुझे भाई ये मैंने, और जो फिर मैंने उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया, अब ये कोई ये चीज़ नहीं है कि मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ, ये मैं करता था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक हाथ से दिया, हर चीज़ का एक टाइम है, हो सकता है आगे को मैं कोई फाउंडेशन रन करूँ या कोई ऐसी चीज़ करूँ उस पर मुझे लगानी पड़े पिक्चर, जरूरी होता है क्योंकि आपने जिनसे फंडिंग ली होती है उस फंडिंग में आपने दिखाना होता है कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, हो सकता है मैं किसी, अभी मैं नहीं करता। इस दफ़ा पर्टिकुलरली मैंने इसलिए किया बिकॉज मुझे लगा कि हम लोगों को इस टाइम पे ये पेंडेमिक है, पेंडेमिक इज़ अ ह्यूज वर्ड, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ वॉर, यहाँ पे हम सब ने अपना अपना हिस्सा डालना है, और जिस टाइम पे हमने पिक्चर्स लगाना शुरू की उस टाइम तक लोग इतना सेंस कर ही नहीं रहे थे कि ये क्या है, लोग रिलैक्स चल रहे थे, ठीक है, और कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी अभी तक निकली नहीं भी थी, जिस तरह देखा आपने लॉकडाउन खोलना पड़ा, हमने स्मार्ट लॉकडाउन, वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट चीजें थी क्योंकि हमने वो डेली वेजर का ख्याल रखना है, अदरवाइज अगर उन तक खाना नहीं पहुंचेगा, वो रोज कमा के उनका, उनको क्या है कोरोना वायरस से, उनके जो 6 बच्चे हैं वो जो है उनका खाना नहीं पहुंच रहा, वैसे मर जाएंगे, तो उनको तो पैसे से गर्ज है कि भाई इसमें पैसे मिले, 2 रोटी इनको खिलाऊं मैं, ठीक, तो उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट था इस तरह के मैसेजेस देना। फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा सोशल मीडिया अपनी टीम के साथ एक्टिव किया, ठीक है, मैंने जो काम किया उसको पिक्चर्स, 2-4 पिक्चर्स लगाता रहा कि किस लिए कि कुछ सिर्फ एक बंदा भी इंस्पायर हो गया, मैंने अपना काम कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैंने अभी पिछले इंटरव्यूज में भी मुशीबे बोला था, मैं बड़ा नाम कमाना चाहता हूँ, मैं पैसे, मुझे पैसे से इतना नहीं, मुझे इतना ही चाहिए जितना मैं, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ ले, अल्लाह ने दिया नाम, मैं इसलिए कमाना चाहता हूँ मुशी भाई कि मैं इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं इस टाइम में मैंने बहुत कुछ सीखा है, ये भी सीखा कि मैं करना क्या चाहता हूँ, ये रास्ता कौन सा पकड़ लिया मैंने, ये तो बड़ी मुश्किल है, तो यहाँ तो यहाँ से बंदा फारिग हो जाता है, बहुत प्रेशर्स आते हैं, तो लेकिन जब आप थोड़ा सा अपने आप को अल्लाह के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर पीस आता है, बिलीव बढ़ता है, अल्लाह से मदद मांगते हैं, आइडियाज खुलते हैं, चीजें साफ होती हैं कि यार मैंने करना क्या है। मुशी भाई मैं एक चीज करना चाहता हूँ, बड़ा नाम कमाना चाहता हूँ क्रिकेट, उसके बाद मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए अपनी जिंदगी वक्त करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ इसी तरह मेरी सांसें निकल जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जबरदस्त अहमद, ये इन्नमालु बिन्नियात, अहमद जो कह रहे हैं ना सारा दारोमदार नीयतों के ऊपर है, ये कह रहा है कि ये मेरा और अल्लाह का मामला है, पाकिस्तान में नाम रोशन करना चाहता हूँ क्रिकेट से, लोग तो जानते हैं क्रिकेट की वजह से, मरना पाकिस्तान के लिए चाहता हूँ, आखिरी सांस से भी पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करने के लिए, ये बहुत बड़ा जज्बा, ईमान का हिस्सा है ये, पाक अपने मुल्क से मोहब्बत करना। आई विश मोटिवेशन जो हमें मिल रही है अहमद से ये हम कर सकें, मैच्योरिटी डेफिनेटली आई है, जैसे कहा छोटी उम्र में सक्सेस मिलना इट्स नॉट ईजी, बड़े बड़े लोगों से हैंडल नहीं होती, याद रखिएगा बात, ये अहमद है, धक्के पड़ते हैं, गिरता है, वो फिर मैं शेर सुना देता हूँ इलामा इकबाल का, ये बहुत मैटर करता है हमारी कौम के लिए, स्पेशली अहमद जैसे नौजवानों के लिए, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, किर्गिज़ का जहाँ और शहीन का जहाँ और, शहीन को लड़ना आता है, किर्गिज़ को लड़ना नहीं आता, हालाँकि किर्गिज़ थोड़ा तगड़ा जानवर होता है, शहीन इतना सा होता है उसको लड़ना आता है,